सर सर कुछ पूछ सकते हैं सर? कुछ नहीं सर, मीडिया से बात करने के लिए हम ऑथराइज नहीं है सर। ये रोड का इससे पहले भी जाम लगाया था ये लोग, तो उसी समय आप लोग आश्वासन दिए थे। आप लोग क्यों हम लोग नौकरी पे पड़े रहते हैं सर? आपका नौकरी पे थोड़े पड़े हुए हैं सर, 3 महीना पहले आश्वासन दिए थे आप ही लोग ने सर। सर आप ही लोग आश्वासन दिए थे। आप हमको 13 तारीख एक बार याद करा दीजिएगा। मेरा नंबर आपको मालूम है? यानी कि 85444। सीओ सर का नंबर लिख लीजिए महाराज, काम देगा। नंबर लिखिए ना, वो भी आप ही शाम रही है। 85444 12889 ये आपका नंबर है सर, हम भी लिख सकते हैं। इज्जत नहीं कर रहे हैं सर। सुनो मेरी बात, सुनो ना, जितना हमारी औकात है उतने भर पूछो जी। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं ना, क्या कर रहा सर? हम तो खुद एक कम औकात के आदमी है सर। स्मार्ट नहीं बन जाओगे, स्मार्ट बनने से स्मार्ट नहीं बन जाओगे। झाड़ू लगता है नहीं, नाली साफ होता है। मेन रोडवे ना है हमको, रोड ना चाहिए। नहीं लगता है हम लोग क्या करें सर? आप गरमा जाते हैं हमारा पे सर। मेरा आवाज थोड़ा लाउड है, आप गरमाते नहीं है। हम लोग भोजपुर के रहने वाले हैं, भोजपुरियन का थोड़ा सा लाउड होता है। हम किसी से ना खुश नहीं हो सर। आप कह रहे हैं कि इज्जत नहीं करते सर, हमको कुछ गलत बोले हैं सर? यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ये वही बीआरसी रोड है जिसका आज से ठीक 3 महीना पहले भी इन लोगों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया था। 20 मई को धरना दिया गया था, उस टाइम आश्वासन दिया गया था कि 1 तारीख से काम चालू हो जाएगा, लेकिन काम चालू नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पे फिर से लोग आक्रोशित थे और आज फिर यहाँ के सभी लोगों ने यहाँ पे धरना देने का काम किया और आज फिर सीओ साहब आए हुए थे और फिर इन्होंने आश्वासन दिया है कि काम जल्द चालू हो जाएगा। बाकी काम कहिया चालू होगा ये तो अधिकारी लोग जानेंगे, सरकारी काम है। अभी हमने उनसे पूछा कि मत पूछिए कोई सवाल, तो हम नहीं पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस रास्ते की जो समस्या है, पता नहीं कब इसका ये ठीक होगा। एक तो ऐसे ही सिवहर जिला का जितना भी सड़क और पुल पुलिया है सबका विनाश होते जा रहा है और ये लोग ऐसा कर गया कि सिवहर में एक दिन आने वाले समय चलने के लिए रोड नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने लोग थे सभी लोगों के आक्रोश में थे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ठीक आज से 3 महीना पहले भी यही काम हुआ था। अब पता नहीं, अब ऐसा ना हो कि 3 महीना बाद फिर यही नौ बता दें। क्या लगता है आपको कि कुछ होगा? देखिए आश्वासन का दौर है, आश्वासन दिया गया है और कुछ दिन पहले भी आश्वासन दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे तो यहाँ के लोगों को आम मत हुआ है कि आज फिलहाल 1-7 दिन का और दे दिया जाए। 7 दिन का? 7 दिन का। अच्छा। तो सीओ साहब जो है वो RW ऑफिसर से बात किए हैं और 7 डेज का समय लिए हैं। 7 दिन में वो सड़क जिस भी हालात में हो वो बनेगी। अच्छा, इससे पहले 10 दिन का समय लिए थे? हाँ, तो 10 दिन के बदले में 2.5 महीना हो गया। वही तो, क्या भाई 6 महीना में है ना, आए हुए थे हम लोग, जाम किए हुए थे। 15 तारीख को है ना डेट दिया गया था बनाने के लिए, सिर्फ ईटा गिरा दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। रोलिंग मशीन चला दिया जे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। जैसा कि देख लीजिए इसका एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम भी आश्वासन दिया गया था और आज भी आश्वासन दिया गया 7 डेज का। और बाकी क्या, हर बार खाली डेटे मिलेगा कि 10 दिन और 15 दिन का टाइम देते रहिए? हम ये कह रहे हैं कि बार बार डेटे मिलता रहेगा क्या? तो सीवर में खाली डेटे मिलता है, यही तो होता ही है हर बार की हम 15 दिन में कराने गए, इस बार कह रहे हैं कि 7 दिन में हो जाएगा, अगले बार कहेंगे 3.5 दिन में हो जाएगा। डेट देने के बाद अधिकारी लोग सूच जाते हैं, बस हो गया, आराम से अपना सोए रहते हैं, झूठ मूठ के जो है कि ऐसा ईटा गिरवाते हैं टुकड़ा जो कीचड़ हो जाता है और बच्चे लोग फंसते, महिला लोग फंसती है, हम लोग गिरते पड़ते हैं। भी 3 नंबर ईटा गिराया जाता है, 4 नंबर ईटा है वो, 4 नंबर तब जो तई के पानी अभी का तो हो जाएगा, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बस आपको क्या लगता है अभी बनेगा कि ना बनेगा? हमको तो नहीं लगता है कि इस आश्वासन से काम चलने वाला है। अच्छा, उस टाइम 10 दिन का आश्वासन दिया गया था, 2.5 महीना हो गया, अब 7 दिन का दिया गया कि पता नहीं 5 महीना हो जाएगा, पता नहीं क्या। उम्मीद कम है, उम्मीद कम है पर काम होता है। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कार्य अवधि शुरू, कार्य अवधि समाप्त, देख लीजिए बोर्ड लग गया है उस पर कार्य अवधि शुरू लिख दिया गया है, बोर्ड का दिखाया जाए। चलिए चलिए थोड़ा सा बोर्ड दिखाते हैं, आइए दिखाइए, यही वो बोर्ड है, देख लीजिए 5 साल तक रख रखाव की
19.32 लाख रुपया। क्या भैया? 5 टेलर ईटा गिरा। 5 टेलर ईटा गिरा बस। उसको राविस में वो 4 नंबर ईटा गिरा। 4 नंबर ईटा गिरा के कादो कादो हो गया, लोग फिसल के मर गया। मर गया अभी वो लड़का दिखा रहा था कि पैरों टूटा हुआ है, थोड़ा पर मुझे गया। देखिए यही लड़का है, देख लीजिए इसी रास्ते पे गिरा। कितना लोग इस रोड में गिर जाते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन या कोई भी चीज ध्यान नहीं देते हैं। कृपया इस रोड पर ध्यान दे के इस रोड को बनाया जाए। काफी समस्या होता, बहुत समस्या होता है। देख लीजिए थोड़ा सा बोर्ड दिखाइए भाई, बोर्ड लग जाता है मुख्यमंत्री ग्राम पशु अनुरक्षण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम। गलती हो गया है, पशु बोला गया है हमारा। अब पशुए न कहेंगे भाई, यहाँ के अधिकारी लोग जो है, अब बताइए आज तक ठीक 2.5 महीना पहले इसी रास्ते पे यहीं पे लोग धरना प्रदर्शन किए थे कि ये रोड बन जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग आते हैं 7 दिन का 10 दिन का समय दे के कान में तेल डाल के सूझ जाते हैं। अब बेरा 3 महीना अगर ये रोडवा बन गया रहता 3 महीना में, तो लोग को यहाँ पे नौबत नहीं आता जाम करने का। आता नौबत नहीं, कभी नहीं नौबत नहीं कभी नौबत नहीं। आज के समय में भी आश्वासन दिया, सिर्फ कागज पर काम होता है। अच्छा, आज कितना दिन का आश्वासन दिया गया? 7 दिन का। 7 दिन का क्या लगता है? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं सिर्फ कागज पर काम। आपको क्या लगता है? कागज पर ही नाव दौड़ के रह जाएगा। आपको क्या मानता है भाई? उम्मीद कम है? उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद नहीं है, थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, ये अधिकारी लोग है कि चोर है? अधिकारी भी है, सब चोर है, ऊपर से नीचे तक चोर, ऊपर से नीचे तक सब चोर। मुख्यमंत्री चोर है, खाली दारू में लगा दिया है लोग को कि दारू खोजो, दारू पकड़ो, बेगुनाह के पकड़ो। जो लोग का समस्या है, बाबू साहब लोग से बेचवाओ। अब विकास से मतलब? विकास कोई नहीं, सब दारू वाला में लगा दिया है सारा को। क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कि रोड का बहुत बुरा हाल है, मैंने बरसात होता है तो एकदम लोग कीचड़ हो जाता है, गिरते रहता है, और आवागमन में समस्या है, बहुत समस्या है। सर कुछ पूछ सकते हैं? आप इंजीनियर हैं महाराज? सर से पूछिए कि 4 महीने में क्या किए हैं? क्या 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 यहाँ वो प्रशासन क्या हाथी नाम यहाँ को प्रशासन के हमरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मेरी एक महिला को आवाज सुना जाए, जो छठ व्रत जो हिंदू व्रत के लिए बहुत महान है, जो इसमें कैसे लोग जाएंगे दंड देने के लिए, कृपा किया जाए इस महिला को आवाज।